नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। मैट्रिक परीक्षा 2021 को लेकर बिहार बोर्ड ने लिया अहम फैसला। बिहार बोर्ड ने अगले साल 2021 के फरवरी महीने में होने वाले मैट्रिक परीक्षा की तैयारी क्रैश कोर्स के माध्यम से जिले के हाई स्कूल में विधानसभा चुनाव के बाद शुरू करने का ऐलान किया है। इस साल दूरदर्शन और स्मार्ट क्लास के माध्यम से मैट्रिक परीक्षा की ऑडियो विजुअल तैयारी की जाएगी। इस साल ही दूरदर्शन और स्मार्ट क्लास के माध्यम से मैट्रिक परीक्षा की ऑडियो विजुअल तरीके से छात्रों को गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अन्य विषयों के मॉडल पेपर भी तैयार करके दिए जाएंगे। इसके लिए संबंधित स्कूलों में D2H का कनेक्शन लगाने का काम शुरू किया जाएगा। माना जा रहा है कि चुनाव के बाद यह काम शुरू हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, D2H के जरिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से उपलब्ध कराए गए कंटेंट का प्रसारण किया जाएगा, जिससे छात्र इसका लाभ उठा सकेंगे। अखंड सौभाग्य करवा चौथ व्रत आज। हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी पर करवा चौथ मनाया जाता है। वहीं इस साल भी हिंदू धर्म में कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत मनाया जा रहा है। आज के दिन सभी सुहागने अपने पति के लंबी आयु के लिए पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं और शाम में चंद्रमा की पूजा करने के बाद इस व्रत का पारण करती हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आज का यह त्यौहार करवा माता में पूरी तरह आस्था रखकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करने का त्योहार है। इसीलिए आज के दिन दोपहर में करवा माता की पूजा के बाद रात को चंद्रदेव के दर्शन किए जाएंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार करवा चौथ के दिन इस दिन मां पार्वती, भगवान शिव, कार्तिकेय और गणेश जी का पूजन किया जाता है। दूसरे चरण के चुनाव में कुल मिलाकर 54.05% पड़े वोट। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत मतदान की प्रक्रिया बीते दिन पूरी कर ली गई है, जिसके बाद 94 सीटों पर 1463 प्रत्याशियों की किस्मत पेटी में बंद हो गई है। वहीं बीते दिन किए गए मतदान की बात करें तो पश्चिम चंपारण में 55.99%, पूर्वी चंपारण में 56.75%, शिवहर में 56.04%, सीतामढ़ी में 57.40%, मधुबनी में 52.67%, दरभंगा में 54.15%, मुजफ्फरपुर में 59.98%, गोपालगंज में 55.09%, शिवहर में 51.88%, सारण में 54.15%, वैशाली में 51.93%, समस्तीपुर में 56.02%, बेगूसराय में 58.67%, खगड़िया में 56.10%, भागलपुर में 54.54%, नालंदा में 51.06%, वहीं राजधानी पटना में 48.23% मतदान हुए। मधुबनी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फेंके गए प्यास पर तेजस्वी ने दी अपनी प्रतिक्रिया। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मधुबनी में जारी सभा में एक व्यक्ति ने उन पर प्यास फेंका था, जिसके बाद वो प्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाकर गिरा था। हालांकि ऐन मौके पर सुरक्षा बलों ने बीच में आकर उस व्यक्ति को किसी तरह से रोक लिया था। जहां एक तरफ लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने ऐसे वाक्यों की निंदा की थी, वहीं अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने लिखा है कि चुनावी सभा में किसी ने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की ओर प्यास फेंकी, यह पूर्णतः निंदनीय, अलोकतांत्रिक और अवांछनीय व्यवहार है। लोकतंत्र में प्रतिरोध की अभिव्यक्ति सिर्फ मतदान में होनी चाहिए और इसके अलावा कोई भी तरीका स्वीकार्य नहीं हो सकता। पार्टी विरोधी काम करते पाए गए 33 नेताओं को नीतीश कुमार ने दिखाया बाहर का रास्ता। पार्टी नेताओं की मनमानी जदयू एकदम बर्दाश्त नहीं करने वाली है, जिसका संकेत जदयू हर बार देते आई है। वहीं पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त 33 नेताओं के खिलाफ सख्ती दिखाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सख्ती का प्रमाण पेश कर दिया है। आलाकमान को जैसे ही इन नेताओं के पार्टी विरोधी गतिविधियों का पता चला, वैसे ही इन नेताओं को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। साथ ही 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि बाहर निकाले गए सभी जदयू नेता अस्थावा विधानसभा के हैं। वहीं बाहर निकाले गए नेताओं की पूरी जानकारी जदयू के प्रदेश महासचिव अनिल कुमार ने दे दी है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे रंजीत रॉय चौधरी की। रंजीत रॉय चौधरी का जन्म आज ही के दिन साल 1930 को बिहार में हुआ था। रंजीत रॉय चौधरी एक भारतीय नैदानिक चिकित्सा अकादमिक और स्वास्थ्य नियोजक थे, जिन्होंने भारत में औषधियों और नैदानिक परीक्षणों पर नीति और दिशा निर्देश तैयार करने के लिए राष्ट्रीय समिति का नेतृत्व किया था। वे भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के ड्रग्स के तर्कसंगत उपयोग के संयुक्त कार्यक्रम के अध्यक्ष थे। वो दिल्ली मेडिकल काउंसिल के संस्थापक अध्यक्ष और दिल्ली सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ रैशनल ऑफ ड्रग्स के प्रचारक भी थे। बिहार चुनाव में लोकसभा से भी ज्यादा बरामद हुए पैसे। बिहार विधानसभा चुनाव के तहत 2 चरणों के चुनाव को संपन्न करवाया जा चुका है। हालांकि जानकारों की माने तो इस बार के विधानसभा चुनाव में पिछले सभी चुनाव के रिकॉर्ड टूट गए हैं। उपचुनाव आयुक्त चंद्रभूषण कुमार की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार दूसरे चरण में कुल 1463 उम्मीदवारों ने चुनावी रण में अपनी किस्मत आजमाई है, जिसमें से 494 उम्मीदवारों के दागी होने की हिस्ट्री रही है। वहीं धनबल के इस्तेमाल की बात की जाए तो बिहार में अब तक 62.2
2 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 16.68 करोड़ और 2015 के विधानसभा चुनाव में 23.81 करोड़ बरामद किए गए थे। हालांकि इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। राहुल गांधी की आज बिहारीगंज और अररिया में होगी जनसभा। बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरणों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी करवा ली गई है। वहीं अब तीसरे चरण के चुनाव के लिए तैयारियां जारी है। इसी क्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी एक के बाद एक लगातार रैलियों का संबोधन कर रहे हैं। वहीं आज तीसरे और आखिरी चरण के लिए राहुल गांधी 2 जनसभाओं का संबोधन करेंगे, जिसमें बिहारीगंज और अररिया शामिल है। वहीं राहुल गांधी के जनसभा को लेकर विधान परिषद सह मीडिया समन्वय समिति के संयोजक प्रेमचंद मिश्रा के अनुसार पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज बिहार में 2 जनसभाओं का संबोधन करेंगे, जिसकी शुरुआत दोपहर 12 बजे से हो चुकी है। वहीं इससे पहले राहुल गांधी ने बीते दिन भी कई जनसभाओं का संबोधन किया था, जहां उन्होंने महागठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने सरकार पर भी खूब निशाना साधा था। चिराग पासवान ने जंगल राज का डर दिखाकर वोट लेने की कही बात। बिहार में 2 चरणों के चुनाव को लेकर सफलतापूर्वक मतदान करवा लिया गया है। वहीं तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जारी है। वहीं बयानबाजियों का सिलसिला भी जारी है। इसी क्रम में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि नीतीश ने अपने शासनकाल में बिहार को बर्बाद कर दिया है। केवल केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम पर वो वोट मांगने का काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने आगे जंगल राज के नाम पर डर फैलाने की बात भी कही, जिसके तहत उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर और महागठबंधन का डर दिखाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। खुद 5 साल क्या किया है यह राज किसी को नहीं पता है। जदयू के नेता आते हैं, सिर्फ केंद्र सरकार की योजना गिनवा कर चले जाते हैं। जदयू ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। बिहार में चल रहे चुनाव पर कुमार विश्वास ने किया ट्वीट। बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरण का मतदान पूरा हो चुका है। वहीं 94 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। वहीं 2 चरण के चुनाव के साथ साथ अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनाव का आयोजन करवाया गया था, जिसको लेकर कुमार विश्वास ने अपनी प्रतिक्रिया जारी की, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ हमारे बिहार में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव का समापन करवाया जा रहा है, वहीं अमेरिका में तनाव देखने को मिल रहा है। और फिर भी आप लोगों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग का कुछ असर नहीं पड़ता, मौसम बदल रहा है, यारो हिंदुस्तान जिंदाबाद। कड़ी सुरक्षा के बीच एएन कॉलेज में रखा गया ईवीएम। बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरण के लिए 3 नवंबर को मतदान करवाया गया। वहीं अब 10 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। वहीं 2 चरण के मतदान के बाद चुनाव में इस्तेमाल किए गए ईवीएम और वीवीपैट मशीन बीते दिन कड़ी सुरक्षा के बीच एएन कॉलेज के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखवा दिए गए हैं। शहरी क्षेत्र के मतदान केंद्र से बीते शाम 7 बजे से ईवीएम आने शुरू हो गए थे, लेकिन बख्तियारपुर, फतुहा, मनेर और दियारा क्षेत्र से ईवीएम लाने में थोड़ी देरी हुई थी, जिसके बाद बीते शाम तक लगभग 10,000 से ज्यादा ईवीएम को एएन कॉलेज में रखवा दिया गया है। स्ट्रांग रूम में प्रत्येक विधानसभा की ईवीएम को अलग अलग रखा गया है, जिसके बाद जिलाधिकारी कुमार रवि, एसएसपी उपेंद्र शर्मा और प्रेक्षक ने मतगणना स्थल का जायजा भी लिया। धनतेरस दिवाली से पहले सोने की कीमत में हो रही है भारी बढ़ोतरी। कुछ दिनों में दिवाली और धनतेरस का त्यौहार आने वाला है। वहीं धनतेरस के दिन कई लोग सोने चांदी खरीदने का शौक भी रखते हैं। वहीं इस साल लोगों का सोना चांदी खरीदना थोड़ा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि बिहार में लगातार सोने की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके तहत धनतेरस के समय में भी सोने की कीमत में उछाल रहने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार में मंगलवार को सोने की कीमत 50,970 रुपये प्रति 10 ग्राम देखने को मिली, जो 31 अक्टूबर से 20 रुपये अधिक है। 31 अक्टूबर को सोने की कीमत 50,950 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। सोने की कीमत में नवंबर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आदित्य नारायण ने अपनी गर्लफ्रेंड श्वेता संग शादी का किया ऐलान। सिंगर और होस्ट आदित्य नारायण ने कुछ समय पहले ही मीडिया के सामने आकर अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में होने की बात का खुलासा किया था। वहीं उन्होंने अपनी शादी की बात भी कही थी। इसी क्रम में अब आदित्य नारायण ने अपनी शादी का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि हम शादी कर रहे हैं। दुनिया का सबसे खुशनसीब लड़का हूं मैं, जिसे श्वेता मिली है, मेरी सोलमेट। 11 साल पहले हम मिले और हम फाइनली दिसंबर के महीने में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। हम दोनों ही काफी ज्यादा प्राइवेट लोग हैं। हम ये भी मानते हैं कि एक व्यक्ति की प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट ही रहने देना चाहिए। शादी की तैयारियों के लिए विदा ले रहा हूं, मिलते हैं दिसंबर में। अब ये 4 टीम भिड़ेंगी प्लेऑफ में। दुबई में खेले जाने वाला आईपीएल का 13वां संस्करण अब अपने अंतिम पड़ाव में है। वहीं अब प्लेऑफ में जाने वाली 4 टीम के नाम का ऐलान भी हो गया है, जिसके तहत आईपीएल के 13वें संस्करण में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए मैच में सनराइजर हैदराबाद 4थी टीम बन गई है, जिसने प्लेऑफ में जगह बना ली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पॉइंट टेबल में नंबर 1 और 2 पर रहने के कारण पहला क्वालिफायर मैच खेला जाएगा
दोनों टीम इस मुकाबले में 5 नवंबर को भिड़ेगी, जिसमें मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स है। हालांकि टॉप टू में रहने के कारण मुंबई और दिल्ली को भी काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है, जिसके बाद हार के बावजूद इन दोनों ही टीम को एक और मौका मिलेगा। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर हैदराबाद के बीच 6 नवंबर को मुकाबला करवाया जाएगा। हालांकि इन दोनों टीम में से हारने वाली टीम टूर्नामेंट से सीधा बाहर हो जाएगी। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 83 लाख के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 46,253 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 83,13,876 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 514 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,23,611 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है। जिस तरह से बीते कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, इसके साथ ही आपको बता दें भारत में अब तक कुल मिलाकर 76,56,478 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत में 5,33,787 सक्रिय मामले बचे हैं। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार त्योहारी सीजन में कोरोना से बचाव के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।